दोस्तों, अगर आप भी ईशांत शर्मा को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम की हालत काफी नाजुक थी और उस मुश्किल परिस्थिति में ईशांत शर्मा ने अपने एक ही ओवर में ऐसा कारनामा कर दिया जिसको देखने के बाद तो आप भी ईशांत शर्मा को सलाम करेंगे। तो ईशांत शर्मा ने उस ओवर में क्या किया ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा में कौन है बेहतरीन तेज गेंदबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जा रहा है। बता दें कि भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 364 रनों का मजबूत स्कोर बनाया था, लेकिन जवाब में जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में तो दो सफलताएं महज 23 रन के स्कोर पर ही हासिल कर ली थी, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज क्रीज पर अपनी आंखें जमाने में कामयाब रहे और इंग्लैंड की टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। इंग्लैंड की मजबूती का ये आलम था कि 341 रन के स्कोर पर इंग्लैंड के सिर्फ 5 विकेट ही गिरे थे। कप्तान जो रूट और मोइन अली क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे थे। कप्तान विराट कोहली को सख्त जरूरत थी कि विकेट आए और उन्होंने रणनीति बनाते हुए गेंदबाजी पर टीम के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को बुलाया। विराट कोहली ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए ईशांत शर्मा के साथ में इंग्लिश बल्लेबाजों को फंसाने की रणनीति बनाई और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि विराट कोहली और ईशांत शर्मा इस ओवर से पहले बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद ईशांत शर्मा ने गेंदबाजी शुरू की और बता दें कि शुरुआती गेंद में ही उन्होंने ये साबित कर दिया कि इंग्लिश बल्लेबाज ईशांत शर्मा की गेंद पर काफी हिचकते हुए नजर आ रहे हैं। कप्तान विराट कोहली ने फिर अपनी जादुई कप्तानी का नजारा पेश करते हुए ईशांत शर्मा से बातचीत करी और उसका फल ईशांत शर्मा को उसी ओवर की 5वीं गेंद पर मिला। उन्होंने मोइन अली को अपने जाल में फंसा लिया और गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए सीधे कप्तान विराट कोहली के हाथों में चली गई और मोइन अली छठ में विकेट के रूप में आउट हो गए। लेकिन दोस्तों, इसके बाद कप्तान विराट कोहली ने सभी को जागरूक करते हुए सभी का हौसला बढ़ाया और ईशांत शर्मा भी इस विकेट के साथ तो काफी ज्यादा जोश में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए सैम करन, जिन्हें पहली ही गेंद पर ईशांत शर्मा ने चारों खाने चित कर दिया। बिल्कुल मोइन अली की तरह ही बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद सीधे रोहित शर्मा के हाथों में चली गई और लगातार दो गेंदों में दो विकेट दिलाकर तो ईशांत शर्मा ने इस मुकाबले में जान डाल दी, क्योंकि 341 रन के स्कोर पर ही अब इंग्लैंड की टीम के 7 विकेट गिर चुके थे। ईशांत शर्मा की शानदार गेंदबाजी और कप्तान विराट कोहली की दिल जीत लेने वाली कप्तानी ने इस मैच का रुख पलट दिया, क्योंकि भारतीय टीम अब इस मुकाबले में पूरी तरह से वापसी कर चुकी थी। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने ओली रॉबिन्सन को आउट करके भारतीय टीम को 8वीं सफलता दिलाई। लेकिन दोस्तों, तारीफ करनी होगी ईशांत शर्मा की गेंदबाजी की और उनके इस घातक ओवर की जिसमें भारतीय टीम के लिए इस मैच का रुख भी पलट दिया। वैसे दोस्तों, आप सभी ईशांत शर्मा की शानदार गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।